मैं हरिंदर कुमार, ग्राम करहरिया, प्रखंड चास, जिला बोकारो, थाना बालीडीह निवासी। हमारी अनुपस्थिति में हमारे ग्राम करहरिया एक व्यक्ति के द्वारा हमारे परिवार के ऊपर हमला किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया 19 जनवरी 2022 को, पथराव किया गया और उनको जान से मारने का कोशिश भी किया गया। मैंने स्थानीय थाना बालीडीह में इसका रिपोर्ट दर्ज कराया। हमारा केस जो है अभी डीएसपी साहब हेडक्वार्टर जो है हमारे, वो अभी इस केस को देख रहे हैं। इस बीच में जो जो हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो हमें कहा गया, उन सभी चीज़ों का हम पालन किए। डीएसपी साहब दल बल के साथ जो है घटनास्थल पर भी पहुंचे और इसके बाद हम लोगों ने एसपी साहब के कहने पर जो जो प्रोसेस पड़ता है वो सारा चीज किया। उसके बाद चूंकि हम संपर्क पर बनाए हुए थे, अचानक जो है फिर 20 मार्च 2022 को जो है सुबह को 8:10 पर मैं अपने घर के आंगन में था, खाना खा रहा था, तभी जो है राजा बाबू अंसारी नामक व्यक्ति गाली बकना हमारे गेट के सामने खड़ा होकर के वो शुरू कर दिया, बंदी बंदी गाली दिया और ये कहा दिया कि तुम रह गए हम रहेंगे, हम मारेंगे, आओ लड़ो हमसे, और बहुत सारा ऐसा गंदा गंदा गाली दिया जो चीज हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को हमें न्याय दिलाए, सुरक्षा दे, कारण कि यह व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, इस व्यक्ति के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने जब 19 जनवरी को केस किया था उस समय से अभी तक जो है वो उनका उनको कहीं ना कहीं एक डर लगना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर केस हुआ है तो हम साइलेंट रहे, हमने ये अपराध किया है। यह व्यक्ति हमेशा घटना को अंजाम दे करके जो है ये अपना घर छोड़ के फरार हो जाता है। स्थानीय थाना जब गई थी हमारी घटना के दिन में, पहला जब घटना घटा था उस समय, तो स्थानीय थाना के द्वारा उनके मोबाइल में कॉल किया गया था और कॉल करने पर जो पूछा गया था कि आपने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया, तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं तो फिर वो घर से अपना भागे क्यों, उसका मैंने वीडियो वगैरह भी दिखाया है। हम आने के जब बाद जब जो हमला हुआ, जो पत्थरबाजी हुआ, इस सब चीज़ का मैंने वीडियो किया था, फोटो किया था, वो सारा चीज़ मैंने प्रशासन को दिखाया। इंजरी जो है वो हमारा अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इंजरी के लिए हमको थाना की तरफ से नहीं कहा गया इंजरी करने के लिए। हम जब गए सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं बना सकते इंजरी रिपोर्ट, आपका केस हुआ है तो इसके लिए हमको थाना का परमिशन चाहिए। और फिर जो है आपको इसके पूर्व में बताएं कि 20 मार्च को जो है उन्होंने फिर से घटना को अंजाम दिया, मारपीट छोड़ करके सारा चीज उन्होंने करके पार कर दिया। उसका भी एविडेंस हमारे पास है, जबकि इसका मैंने वीडियो जो है एसपी साहब को, डीएसपी साहब को मैंने भेजा है, थाना में भी दिया है। और सबसे पहला जो है एफआईआर मैंने 19 तारीख को किया था, 19 जनवरी को, उसका ये देखिए हमारे पास है पेपर। उसके बाद उसके अगले दिन जो है जब वो गाली उलझ करने लगा था अपना घर से ही, अपना घर का गेट से, तब मैंने एसपी साहब को जाकर के मिल करके फिर से दिया था, यानी कि 20 तारीख के डेट में, वो भी हमारे पास है। उसके बाद थोड़ा लंबित जब हो गया मामला, समय जब लग गया, तो फिर मैंने 21/2022 को एसपी साहब को ये लिखित रूप में फिर मैंने दिया था और मैंने ये उत्तरी छोटनागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के जो पुलिस महानिदेशक हमारे हैं उनको भी मैंने ये आवेदन दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले और प्रशासन जो है हमें सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि यह व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस व्यक्ति के ऊपर जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी केस हुआ, उसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दे रहा है बार बार। ये संकी दिमाग का व्यक्ति है। इस व्यक्ति के ऊपर जो है हमें कहीं ना कहीं डर है कि यह व्यक्ति हमारे परिवार को हमें क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए हम चाहेंगे कि अविलंब जो भी प्रक्रिया है उसे कर और दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और हमारे परिवार को न्याय मिले, ये हम चाहते हैं।